दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां प्रेम जाल में युवती को फंसाकर उसी के मोहल्ले के लड़कों ने गैंगरेप किया और फिर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया और ये दर्शाने का प्रयास किया कि उसने रेल से कटकर आत्महत्या की है। मामला मसूरी थाना क्षेत्र के आध्यात्मिक नगर रेलवे हॉल्ट का है, जहां 30 जनवरी की रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती का शव बिना कपड़ों के ट्रैक पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद तफ्तीश की गई तो गैंगरेप और हत्या का मामला निकलकर सामने आया। इस मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए पड़ोस के 4 युवकों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं दासना से हूँ। क्या हुआ आपकी बहन के साथ? क्या हुआ? मेरी बहन के साथ 4-5 लोगों ने मिलके, उसमें जो मेन मुद्दा है स्टूडेंट पे नाम जो है वो हसीन है, उसके साथ 4-5 लोग थे। वो मेरी बहन को घर से उठा के ले गए और उसके साथ हम घर नहीं थे, हमारी ना मौजूदगी में उसके साथ गलत हुआ और उसके बाद में हम घर आए तो हमने अपनी बहन को खोजा, नहीं मिली। उसके बाद में हमने तो ढूंढा तो वो नहीं मिली, उसकी डेड बॉडी मिली। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। 30 तारीख की रात में ट्रेन ड्राइवर आगे जाके मेमो देता है कि उसके ट्रेन के आगे किसी लड़की को जो है धक्का दे दिया गया है। रात में ही चौकी की पुलिस गई है, डेड बॉडी को हटाया है वहाँ से और उसका पोस्टमार्टम कराया है। दिन में पता चला कि वो वहीं पड़ोस की लड़की थी। उसके पिताजी के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को नामित किया गया था। इसकी विवेचना थाना पुलिस द्वारा किया गया था और जिसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं। जिस व्यक्ति ने धक्का दिया था उसका नाम परवेज था, उसने लड़की को धक्का देकर ट्रेन के आगे गिरा दिया था, जिससे वो चपेट में आकर के उसमें मर गई थी। इसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की प्रेग्नेंट थी, उसका अवशेष लेकर के DNA कराया जा रहा है। आगे इसमें गंभीर गहराई से विवेचना करते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले में कड़ा एक्शन उठाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद।